सो हाई किसको मैचिन आज में हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। सो आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। सो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट के बारे में। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ब्लॉगर का जो है कि बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, ये सारे के सारे टेम्पलेट आप देख सकते हैं, जिनका भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि क्या इन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हम गूगल एड्स से अप्रूवल ले सकते हैं, क्या इनके जरिए हमें इनकम होती है, और क्या ये कितना बेनिफिट हमारे जो ब्लॉग है, जैसे कि हमारा ये ब्लॉग है, इसको कितना बेनिफिट पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और हर एक डिटेल्स इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के साथ में बन रही है। आज मैं आपके जो भी डाउट हैं सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, और आज के ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि क्या अगर आप इन टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं जब आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में मैं एक चीज़ और कवर करने वाला हूँ कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टेम्पलेट जो है कि बिल्कुल नया जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है, और ये ब्लॉगर का न्यू वर्जन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लासिक वर्जन नहीं है, बिल्कुल न्यू वर्जन है, और न्यू वर्जन में बहुत सारी चेंजेस की गई है। तो जो टेम्पलेट का अगर हम बात करें, जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होते हैं, उसका लुक भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, और थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इनसे क्या जो कि हमारे जो अर्निंग होती है वो कम समय में ज़्यादा इनकम हो सकती है, और क्या इस पर एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो है कि ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं और आप जो एक ब्लॉगर का बेसिक डोमेन लेके चल रहे हैं और उस पर सोच रहे हैं कि मैं कंटिन्यू काम करूंगा और वहां से इनकम करूंगा, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, इनमें से आपको एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहे जो भी टेम्पलेट इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई कॉन्टेंट देते हैं तो यहाँ पर इस तरह के टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि अगर आप एक बिगनर ब्लॉगर हैं तो इस तरह के टेम्पलेट का इस्तेमाल करें। ये जो टेम्पलेट आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अभी देखेंगे तो कोई और यहाँ पर टेम्पलेट अप्लाई है, और मैंने इसको कस्टमाइज़ भी करके दिखाया था इसके प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसे अप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेम्पलेट है ये चेंज हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर चेंज भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, अप्लाई पर क्लिक किया, और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इसे मैं सिंपली क्या करूँगा, रिलोड करूँगा, और जैसे रिलोड करूँगा देखते हैं ये चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे जो कि चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसे, और कस्टमाइज़ कैसे करना मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक और टेम्पलेट है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ कि क्यों लोग जो है कि ब्लॉगर का जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो इस तरीके का भी आप जो है कि टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों लोग जो है कि इसका टेम्पलेट नहीं इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे टेम्पलेट तो बहुत सारे हैं और अच्छे अच्छे टेम्पलेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारे टेम्पलेट बेकार हैं और इनसे अप्रूवल देखने को नहीं मिलेगा। इनमें से ये जो टेम्पलेट देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के टेम्पलेट मुझे बहुत पसंद आते हैं, और खास करके स्पेशली मैं आपको बता दूँ ये वाला टेम्पलेट मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ पर ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन सारे टेम्पलेट का ये जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, इसका लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ब्लॉगर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर एड एडसेंस अप्रूवल तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, जल्दी अप्रूव्ड होता है यहाँ पे। बल्कि अगर हम बात करें इनका टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का टेम्पलेट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये और ये पांच टेम्पलेट है, ये एडसेंस अप्रूवल के लिए, फास्टेड एडसेंस अप्रूवल के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये पाँच टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ। बाकी आप अगर हम बात करें तो जितने भी टेम्पलेट है उसकी मैं कोई भी मतलब ये नहीं बोल सकता, मैं अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया हूँ, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये सारे टेम्पलेट जो है ना कि इन पर एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलते हैं, मिलते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड यही करता हूँ कि ये जो पांच टेम्पलेट है, और यहाँ पे देखेंगे ये एक छठा टेम्पलेट है, इन पे एडसेंस अप्रूवल मैंने देखा भी है और एडसेंस अप्रूवल मिलता भी है, जल्दी मिलता है। लेकिन इनके अलावा जो ये टेम्पलेट है, इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगता है कि एडसेंस अप्रूवल मिलना, क्योंकि उन्हें कस्टमाइज़ करना, उनके ऊपर काम करना, हर एक चीज़ अगर हम बात करें तो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि उनका लुक भी उतना बेटर नहीं दिखता है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल लेना, लेकिन इनके ऊपर जो है कि बहुत ही ईजी है अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल लेना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनमें से अगर आप चाहें तो किसी भी टेम्पलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। लेकिन इसका इस्तेमाल लोग क्यों नहीं करते हैं, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक या दो एड्स यहाँ पे शो होते हैं। एक और दो एड्स का मतलब ये है कि फुटर में एक एड शो होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जो कि हेडर में एक एड शो होगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे शो करेगा या तो यहाँ पे शो करेगा, तो एक ही एड शो करेगा, मतलब टोटल एड्स हो गए दो, मतलब दो एड्स शो होंगे, मतलब दो लोगों को दो ही इंप्रेशन जाएगा। एक लोग अगर विजिट करते हैं आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पे तो सिंपली दो इंप्रेशन गिरेगा। और जो कस्टम टेम्पलेट होते हैं उन पर अगर हम बात करें तो अगर कोई विजिट करता है तो एक साथ में पाँच पाँच एड्स शो करते हैं, छः छः एड्स शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक यूज़र अगर विजिट करता है तो कम से कम पाँच से छः जो है कि यहाँ पे जो कि इंप्रेशन वहाँ पे गिरते हैं।
जिससे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। सो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग कस्टम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉगर के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई होप जो कि आप समझ चुके होंगे कि किस पे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, दोनों पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप इनका भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप कस्टम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन दो पाँचों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे जल्दी आपको एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलेगा। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। कि हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।